हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू किया था टॉप 5 ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 3000, ये है अंडर 5000। तो 3000 से 5000 रुपीस के बीच में जो आते हैं, और इसमें 1-2-3 रैंकिंग नहीं होगी, इसमें कैटेगरी वाइज बेस्ट आपको बताया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, रियलमी स्पीकर अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। मैंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बट जिनने भी रियलमी स्पीकर खरीदा ना, उसको उसकी वैल्यू का पता है, बट अभी नहीं मिल रहा है तो हम उसको आउट ऑफ लिस्ट कर देते हैं अभी। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 के साथ। ये है बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर JBL 4, 5 वोट का स्पीकर है, 10 घंटे का बैटरी बैकअप, IP67 ब्लूटूथ 5.1, और साथ में इसमें क्लिप आती है जिसको आप लगा के कहीं भी जा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा हैंडी और पोर्टेबल है। ऑलमोस्ट 239 ग्राम्स का इसका वेट है। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, तो प्रोज है ड्यूरेबल है और बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल है, IP67 की रेटिंग आती है। कॉन्स की बात कर लेते हैं, लिमिटेड बेस रिस्पॉन्स है, मतलब बेस इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी है हमारी बेस्ट बेस की, इसमें है ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब साउंड 500, 70 वोट का स्पीकर है और ये काफी टाइम पहले लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे 4500 रुपए में लॉन्च हुआ था, बट अभी इसकी प्राइसिंग 4000 रुपए है। इसका साइज काफी ज्यादा मैसिव है, 9 घंटे का बैटरी बैकअप, ब्लूटूथ 5.0, TWS मोड और साथ में RGB लाइट देखने को मिलती है। स्पेशल फीचर है बेस बूस्ट मोड आता है, माइक आता है, वॉइस असिस्टेंस, वाटरप्रूफ और साथ में USB पोर्ट भी है। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, प्रोज है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, बेस बहुत अच्छा है। कॉन्स की बात कर लेते हैं, 70 वोट के हिसाब से साउंड थोड़ी सी लो है। थर्ड कैटेगरी है बेस्ट कॉम्पैक्ट स्पीकर, ये है ट्रिबिट मैक्स साउंड प्लस। मैंने ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स फ्लो का रिव्यू किया है, मैंने ट्रिबिट साउंड गो का रिव्यू किया है, एंड दोनों ही स्पीकर्स की वॉल्यूम बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ट्रिबिट हमेशा कॉम्पैक्ट स्पीकर बनाने की कोशिश करता है। 20 घंटे का बैटरी बैकअप, IPX7, एक्स बेस मोड और 100 फुट की रेंज मिलती है। स्पेशल फीचर की बात करें, बेस बूस्ट मोड मिलता है, वाटरप्रूफ है, बिल्ट इन माइक्रोफोन है। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, आउटपुट भी काफी लाउड है, ब्लूटूथ 5 आता है और USB टाइप सी कनेक्टिंग आता है। कॉन्स की बात कर लेते हैं, बैटरी लाइफ में थोड़ा सा कम देखने को मिला है, और दूसरा साउंड के कंपैरिजन में बेस थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्पीकर बनाता है तो उसमें बेस तो कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये प्राइसेस जो हैं ये हाल फिलहाल के बता रहा हूँ, ये सेल में कम ज्यादा होते रहते हैं, ओवर द टाइम ऊपर नीचे होते रहते हैं और बहुत सारे ऑफर्स में भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप टाइम टू टाइम चेकआउट भी कर सकते हो। आज का गिव अवे है ज़ीलोट S1 स्पीकर प्लस पावर बैंक प्लस टॉर्च, काफी मल्टीपर्पज स्पीकर है, और गिव अवे के टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। इस कैटेगरी में बहुत सारे स्पीकर्स थे, बट पर्सनली मुझे बोट के कुछ स्पीकर्स हैं जो पसंद आए हैं। ये है बोट स्टोन 1450, ये 40 वोट का स्पीकर कंपनी क्लेम करती है, बट आउटपुट काफी अमेजिंग है स्पीकर का। अभी हाल फिलहाल 4500 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, वैसे 4000 रुपए में भी मिल जाता है और कुछ ऑफर वोफर लगा के और भी मिल सकता है। इसकी डिटेल वीडियोस चैनल पे है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। 5 घंटे का प्लेबैक टाइम है 60% वॉल्यूम पे, विदाउट RGB आती है, IPX5, TWS मोड। स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं तो EQ मोड आता है इंडोर और आउटडोर में, ऑक्स प्लस USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। प्रोज की बात कर लेते हैं, साउंड आउटपुट बहुत अमेजिंग है, बेस बहुत ज्यादा अच्छा खासा है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन देता है, साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। कॉन्स की बात कर लेते हैं, साइज को देखते हुए बैटरी बैकअप सिर्फ 2 घंटे के आसपास आप इसको एंजॉय कर पाओगे, 4-5 घंटे तब चलेगा जब आप इसको 50% वॉल्यूम पे चलाओगे। 5th है स्टाइलिश स्पीकर ओरिमो साउंड फ्लो, 50 वोट का स्पीकर है, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, 6000mAh की बैटरी, ब्लूटूथ 5 TWS मोड के साथ आता है, ऑलमोस्ट 4 घंटे का बैटरी बैकअप देता है, 50% वॉल्यूम पे चलाओगे तो कंपनी क्लेम करती है 24 घंटे का, बट उतना नहीं है, 10 से घंटा चला देगा अगर आप RGB ऑफ करके चलाते हो तो। स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं, बेस बूस्ट ऑप्शन और डेडिकेटेड सबवूफर दिया गया है। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, 50 वोट आउटपुट, RGB 360 साउंड इफेक्ट। कॉन्स की बात कर लेते हैं, ट्रिबल्स थोड़े से हाई हैं तो काइंड ऑफ वो ट्यूनिंग की जरूरत है, और दूसरा है काफी बल्की है, उतना ज्यादा पोर्टेबल नहीं है और कैरी करने के लिए स्ट्रैप या हैंडल भी नहीं दिया गया है, बट दिखने में चलने में बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रीमियम, ये है मिया टोन का बूम प्रो। अभी ये 5000 रुपए में आ गया है और इस पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 3700 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। 36 वोट का आउटपुट, 20 घंटे का बैटरी बैकअप, RGB 100 फिट की कनेक्टिविटी, IPX7 मिलता है। इसमें टाइप सी पोर्ट आता है जो कि अनकवर्ड है, फिर भी ये वाटरप्रूफ है। स्पेशल फीचर 5000mAh की बैटरी, ब्लूटूथ 5.3, DSP टेक्नोलॉजी आती है। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, प्रोज टाइप सी चार्जिंग आती है बट कवर नहीं है, RGB 20 घंटे का बैटरी बैकअप, हाई वॉल्यूम है, काफी लाउड है और बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल भी है। कॉन्स की बात कर लेते हैं, कोई भी पोर्ट नहीं दिया गया कनेक्टिविटी के लिए, सिर्फ ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, लो बेस है। जितना ज्यादा स्पीकर पोर्टेबल होगा
उसकी बेस आपको कम मिलने वाला है, तो सेम यहाँ पे भी यही है। एंड इसकी साउंड भी लो है एज कम्पेयर टू 36 वोट। कंपनी कहती 36 वोट है, बट उतनी साउंड नहीं है। अभी 3700 रुपए में एक अच्छी डील है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारी लिस्ट का फाइनल स्पीकर है, ओवरऑल बेस्ट स्पीकर आज की लिस्ट का, ये है ईयरफोन यूबॉम। 24 वोल्ट का स्पीकर है, 360 डिग्री का साउंड एक्सपीरियंस देता है, 16 घंटे का बैटरी बैकअप, IPX7 और TWS मोड भी आता है। स्पेशल फीचर की बात करें, 100 फीट की वायरलेस रेंज, वॉइस असिस्टेंस इंटीग्रेशन, बिल्ट इन माइक हैंड फ्री कॉलिंग के लिए, 24 वोल्ट के ड्राइवर DSP टेक्नोलॉजी के साथ, और दो मोड्स भी आते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, रग्ड और पोर्टेबल है, स्टीरियो मोड में पेयर किया जा सकता है और पावरफुल थंपिंग बेस देता है, 360 साउंड आउटपुट देता है। कॉन्स की बात कर लेते हैं, फ्लैश ड्राइव या SD कार्ड सपोर्ट नहीं दिया जाता है, मिडिल और हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी वीक है, उतना ज्यादा अच्छा साउंड कॉम्बिनेशन नहीं है, कैरी करने के लिए कोई केस भी नहीं दिया जाता है। हाल फिलहाल इसका प्राइस 5000 रुपए चल रहा है, और सारे के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनली हमारी लिस्ट हो गई है पूरी, आप कमेंट सेक्शन मेंशन करके जरूर बताना आपके हिसाब से कौन सा इस लिस्ट में मिल होना चाहिए था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वही लाइक कमेंट एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।